Guys, to see makeup, DIY and beauty related videos, please do subscribe the Beauty Charm channel and click the bell icon beside this. Stay updated, stay happy. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ रूप मंत्रा की और एक फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और ये है रूप मंत्रा मिक्स फ्रूट फेस वॉश। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं हमेशा ही अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो प्रोडक्ट को किसी ब्रांड ने मुझको सेंड किया हो या मैंने अपने खुद के पैसों से ही खरीदा हुआ क्यों ना हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्लेम किया गया है वो बताऊंगी, देन इसका प्राइस, आफ्टर दैट इसका पैकेजिंग एंड देन इसका वाटर में टेस्ट करके आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। सो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया गया है। इट इज़ अ मेडिकल फेस वॉश। इट इज़ ब्लेंड विद नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट लाइक एप्पल, ग्रेप सीड, कैरेट, एलोवेरा एंड आलमंड, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग कम्प्लीट नरिशमेंट टू द स्किन। और भी बहुत कुछ इस पर क्लेम किया गया है। इट प्रिवेंट ब्लेमिसेस एंड पिंपल्स बाय रिमूविंग फेशियल स्किन डर्ट, एंड इट प्रोवाइड्स डीप क्लीनिंग एनहेंस स्किन ग्लो। सारी कंपनियां बहुत कुछ क्लेम कर देती है, पर जब हम लोग यूज़ करते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को पता चलता है जो भी क्लेम किया गया है वो सही है या नहीं। गाइज, इसका जो प्राइस है 115 ml का 83 rupees है, जैसे कि प्रीवियस फेस वॉश है वैसा ही प्राइस है, एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अब आती है इसके पैकेजिंग पे, एंड ये सेम वैसी ट्यूब टाइप का पैकेजिंग में आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। एंड इसका जो कलर मैं देख पा रही हूँ वो है लाइट रेड कलर का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कलर। बट जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसका जो स्मेल है वो बहुत ही पैथेटिक है, मुझको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, जिन लोगों को मिक्स फ्रूट पसंद है उन लोगों को अच्छा लग सकता है, पर मुझको एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है इसका स्मेल। पर फ्रेंड्स, मैं इसको वाटर के साथ टेस्ट तो करना चाहती थी, पर इसका जो स्मेल है वो इतना पैथेटिक है, मुझको टेस्ट करने का मन ही चला गया। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, पर मैं फॉर श्योर इसको कभी भी यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझको ये फ्रूट्स टाइप का स्मेल अच्छा नहीं लगता, एंड जो चीज़ का स्मेल मुझको अच्छा नहीं लगता वो चीज़ मुझको यूज़ करने का भी मन नहीं करता है। यूज़ करने के बाद मुझको पिंपल्स का तो पता नहीं है, मेरा पिंपल्स होता नहीं है जैसे कि आप लोगों को पता है। मैं देख पा रही हूँ ये बहुत अच्छा क्लीनिंग करता है, ये थोड़ा बहुत ग्लो भी दिखा रहा है स्किन पे, एंड सॉफ्टनेस होता है इसमें जो कि अच्छा है, पर सेम चीज़ मुझको इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग इजीली इसको ख़रीद सकते हो, जिसको अच्छा लगता है मिक्स फ्रूट का स्मेल वो इसको ख़रीद के यूज़ कर सकता है, पर फ्रैंकली मुझको अच्छा नहीं लग रहा है स्मेल की वजह से, मैं इस अच्छा वाला फेस वॉश को भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी। सो गाइज, यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड इस पर कॉमेंट कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।